सो हिंदी बोलना है इंग्लिश बोलना है? मैं तो दोनों बोल दूंगा, दो मिक्स कर दूं। तो आपने सवाल क्या पूछा? बोलिए। वेल, जो शो है द रॉयल पैलेट इज अबाउट अ जर्नी ऑफ इट्स फिर से बोलता द रॉयल पैलेट जो है जो रॉयल पैलेट है ये जो शो है दीज आर सेवन एपिसोड्स एंड इन एवरी एपिसोड द एंटायर थॉट इज टू डिस्कवर द रॉयल फूड ऑफ इंडिया एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रॉयल फूड इट्स नॉट जस्ट फूड दैट वी आर डिस्कवरिंग इसके पीछे की छुपी कहानियाँ और इसके पीछे के छुपे फैक्ट्स के जो खाना है ये तो कितना जंप आएगा आपका शुरू से ऊपर से करे सर। ऑलराइट, द रॉयल पैलेट जो शो है इट डिस्कवर्स इट्स बेसिकली माय जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग द डिफरेंट रॉयल फूड्स ऑफ इंडिया एंड जहाँ पर रॉयल फूड्स की बात आती है वहाँ पर हिस्ट्री बहुत है, कल्चर बहुत है कि खाना कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ, हाउ डिड रॉयल्टी ट्रीटेड इट्स फूड एंड हाउ दैट रॉयल फूड वन डे बिकेम द कॉमन फूड दैट वी नो ऑफ टुडे। सो कहीं पे कुछ डिस्कवरी है कुछ नई डिशेस की, तो कहीं पे डिस्कवरी है कुछ ऐसी स्टोरीज की जो आजकल के कॉमन खाने के पीछे है। फॉर एग्जाम्पल काकोरी कबाब, गलौटी कबाब सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है कि उससे पहले कौन सा कबाब था, हाउ डिड दैट कम इनटू बीइंग, उसका रीज़न क्या था कि गिलावट कबाब क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, किस तरीके से रॉयल बुफे पे स्प्रेड हुआ और किस तरीके से वो एक कॉमन मैन तक पहुंचा। सो इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग योर ओन मदरलैंड, योर ओन कंट्री फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वेरी फूड लेंस इफ आई कैन से, वेयर यू सर्व्ड बाय द रॉयल्टी इन देयर पैलेसेस, इन देयर फोर्ट्स, and you go out on the street to understand the common man and his perception about the food. All in all, ek bahut hi mazedar journey jahan pe khoob sara khana hai, khoob sari masti hai. It's entertainment for the body, mind and soul, and it's something that I strongly recommend everybody should watch. And to social media influencers for being part of the show, I mean how are different working with these two guys? So with all the influencers, in fact we had seven different influencers, aur jo bhi influencer hai apni ek energy, apna ek passion lekar aata hai, not necessarily you know everybody needs to be passionate about food, but for me like Binafsha and Ehsaas, they both kind of brought in that much needed energy for me personally, and unke liye bhi ek journey thi to understand food in a very different light. It's not about just food where you just order and it comes to you, it's much more than that. So that's where I think both TVF and Behroz, they play a very important role, where they brought together these stories, these important hidden treasures and these important royals to talk about their food, apne khane ke bare mein, apne फैमिलीज के बारे में, अपने तौर तरीकों के बारे में, एंड आज जो हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आया, वो हमने अपनी दादी से सीखा, नानी से सीखा, उन्होंने अपनी दादी नानी, बट यू हैव टू अल्टीमेटली गो टू द सोर्स। सो हमने कोशिश करी सोर्स पता करने की, जो आज हम खाना खा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया, कैसे हुआ। आई थिंक शेफ एक ज़माने के अंदर, और इस शो पे हमें पता चला कि, और ये पुराने पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है एंड इट्स अ फैक्ट, कि एक ज़माने में वैद और शेफ वो एक ही होता था, मतलब वैद ही बताता था कि खाने में क्या मसाला डालना है, कितना डालना है, और उसी हिसाब से बनता था। सो देयर इज़ अ डीपर कनेक्शन बिटवीन बीइंग अ शेफ एंड बीइंग लिटरली अ डॉक्टर, एंड वो कनेक्शन बहुत सालों पहले वो एस्टैब्लिश हुआ था। सो उसको एक्सप्लोर करना वाज फैंटास्टिक, एंड मेरा मानना है जो भी शेफ है वो इट ही इज जस्ट मोर देन, मच मोर देन जस्ट समबडी हु कुक्स फूड फॉर यू, ही इज़ द गाय, ही इज़ द हिस्टोरियन फॉर यू, हु विल रिसर्च ऑन हिस्ट्री, ही इज द गाय, विल बी द डॉक्टर, ही विल बी द गाय, विल बी एडवाइजिंग यू व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। सो देर इज़ अ ह्यूज कनेक्शन, एंड वर्ल्ड ओवर जो इंडियन शेफ्स हैं, दे हैव बीन ऑन दिस जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स थ्रू फूड, कि मैं
मेरी पहचान खाना है, लेकिन खाने के बियॉन्ड भी मेरा एक स्किल है, मेरा एक पैशन कुछ और हटके है। जैसे मुझे फोटोग्राफी पसंद है तो मैं उसके बारे में लिखूंगा, मुझे हिस्ट्री पसंद है तो मैं उसके बारे में डॉक्यूमेंट करूंगा, मुझे फिल्में बनाना का शौक है तो मैं फिल्में बनाऊंगा। सो आई थिंक एवरीबडी हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द बिगर पॉट ऑफ बीइंग अ शेफ एंड बीइंग अ फूड एंथुसियास्ट।